ये हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे कि अभी तक हम लोग बहुत सी वीडियोस में करते आ रहे हैं। लेट सपोज कि ये हमारा वो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने आइडियल गैस फिल्ड की है। लेट सपोज कि आइडियल गैस का तकरीबन 1 मोल जो है वो इसके अंदर हम लोगों ने फिल्ड कर दिया। ये कुछ आइडियल गैस है और वो इसके अंदर फिल्ड कर दी। इसके ऊपर अब एक मूवेबल पिस्टन हम लगा देते हैं इस तरीके से। मूवेबल नहीं बल्कि अब की बार हमें फिक्स्ड लगाना चाहिए। जी हाँ, फिक्स्ड पिस्टन लगा देते हैं, मूवेबल नहीं लगाना, फिक्स्ड लगाना है। इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हम लोगों ने एक फिक्स्ड है पिस्टन लगा दिया है, फिक्स्ड पिस्टन लगा दिया है। और ये जो चीज़ है ये हमारी आइडियल गैस है, आइडियल गैस। अब मैंने पिस्टन जो है वो फिक्स्ड इसलिए कंसिडर किया क्योंकि मुझे जो है एक चीज़ को प्रूफ करना है। उस चीज़ को भी मैं आपको भी बताती हूँ कि अभी हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, लेकिन पहले मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने जो सिस्टम लिया है उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या जो वर्किंग सब्सटेंस है डाला है। इसमें हम लोगों ने एक आइडियल गैस डाली है, ये कंटेनर या सिलेंडर है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया है और वो पिस्टन जो है फिक्स्ड पिस्टन लगाया है ताकि वो मूव ना कर सके। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था कि जब हम कोई कंटेनर या कोई भी बीकर लेते और उसके अंदर गैस को यूँ फिल्ड कर देते तो यहाँ पर हम मूवेबल पिस्टन लगाते थे ताकि जब भी इस सिस्टम को हम हीट दें तो हीट की जो ट्रांसफ़र है इस बीकर के अंदर वो इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी भी ट्रांसफ़र करती थी वो हीट, और कुछ वर्क डन में भी कंज्यूम हो जाती थी। वर्क डन इस तरीके से होता था कि जैसे ही हीट सिस्टम के अंदर आती थी ये मूवेबल पिस्टन थोड़ा सा राइज कर जाता था, या अगर इसमें से हीट इजेक्ट करती थी तो ये मूवेबल पिस्टन जो है डाउनवर्ड आ जाता था। तो इसकी अपवर्ड जाने और डाउनवर्ड आने की वजह से जो है ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता था और इसमें वर्क डन हो जाता था। लेकिन अगर अब मैं ये कहूँ कि ये कोई ऐसा सिस्टम है जिसको मैंने हीट दी है, इस सिस्टम को भी मैंने हीट दी है, और लेट्स सपोज कि इसने बल्कि सिस्टम से इसने अपने इन्वायरमेंट से ही कुछ ना कुछ हीट ले लिया, अगर आप भी ना दें तो ये सिस्टम इन्वायरमेंट से भी अपनी हीट ले सकता है। जैसे कि आपको याद होगा कि जब हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम के बारे में समझा था, तब हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर हीट एनवायरनमेंट से कोई सिस्टम ले ले तो ये जो हीट ये सिस्टम लेता है, ये हीट जो है बेसिकली वर्क तो ये करती है कि जैसे ही हीट किसी सिस्टम के अंदर आ गई तो कुछ ना कुछ हीट जो है वो इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम हो जाती है और बाकी बचने वाली जो एनर्जी है, बाकी बचने वाली जो हीट है वो वर्क डन में कंज्यूम हो जाती है। टोटल इंटरनल एनर्जी इसलिए हीट में कुछ हीट जो है वो टोटल इंटरनल एनर्जी में इसलिए जाती है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स या जो गैस या जो एयर हम लोगों ने फिल्ड की होती है अपने सिलेंडर के अंदर, वो मॉलिक्यूल वगैरह जो हैं वो एनर्जी लेते हैं और एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, और इन सम केसेस जो है पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है। तो ये सब की सब एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी की कैटेगरी में आ जाती है। इसका मतलब है किसी सिस्टम को जब भी हीट दी जाएगी, डेल्टा क्यू उस सिस्टम को दिया जाएगा, यानी कि हीट दी जाएगी तो उस हीट में जो चेंज आता है वो उस सिस्टम में कंज्यूम होने वाला, वो जो डेल्टा क्यू है यानी कि जो चेंज इन हीट आया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, वो हीट उस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम हो जाती है और बचने वाली कुछ जो एनर्जी है, कुछ हीट है, वो वर्क डन में कंज्यूम हो जाती है। वर्क डन इस तरीके से होता है कि जब भी आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं और इस सिस्टम के ऊपर जैसा कि मैंने अभी बताया कि मूवेबल पिस्टन लगा हो तो हीट के अंदर दाखिल होने या हीट के सिस्टम से बाहर इजेक्ट होने से ये पिस्टन जो है ऊपर नीचे मूव करता है। वॉल्यूम की कंप्रेशन और एक्सपेंशन होती है। जब वॉल्यूम राइज करता है या वॉल्यूम का लेवल लो होता है तो इसका मतलब है इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। और जो वर्क डन होता है आपको वो भी मालूम है कि वर्क डन F(D) है। वर्क डन जो है F(D) के बराबर होता है, यानी कि इस तरह से हमारे पास वर्क डन आ जाता है FD cos थीटा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि लेट सपोज कि ये मेरा एक सिस्टम है, इसे कंसीडर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर लेट सपोज आपने कुछ गैस फिल्ड कर ली
और ये आपके पास एक मूवेबल पिस्टन है। जब आप इस मूवेबल पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम किया जाए, तो आपने इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई किया। इस प्रेशर को हमने कहा था कि ये प्रेशर जो है फोर्स के इक्वल है। अब चूंकि प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है और प्रेशर के अप्लाई करने से आपका वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि मूवेबल पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है और आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें कंप्रेस कर देता है। इसका मतलब है अगर आपका पहले ये डिस्प्लेसमेंट या ये लेंथ थी, अब वो कंप्रेस होके तकरीबन इतनी आ जाती है, मीन्स के वॉल्यूम में चेंज आता है जो कि डेल्टा वी है। तो हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में जो वर्क डन है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये माइनस हो जाता है। और दूसरी बात ये, एफ की जगह हमारे पास प्रेशर और डी की जगह हमारे पास डेल्टा वी आ जाता है। तो इस तरीके से हम जो है वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अब आप ये सपोज कीजिए कि हम लोगों ने तो इस सिचुएशन में, ये वाली सिचुएशन में हमने कहा है कि हमारा ये वाला पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है। अगर ये पिस्टन फिक्स है तो इसमें जो हीट आएगी, जो हीट हम इसको देंगे, या ये सिस्टम खुद ही इन्वायरमेंट से कुछ हीट ले लेता है, तो ये हीट किस चीज़ में कन्वर्ट होगी? जाहिर सी बात है, हमने कहा है कि इसका पिस्टन फिक्स्ड है। इसका मतलब है पिस्टन फिक्स है तो इसमें, अब यहाँ पे डेल्टा वी जो है हमारा, डेल्टा वी ज़ीरो होगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंशन हुई है और ना ही हमारे पास कंप्रेशन हुई है, क्योंकि हमारा जो पिस्टन है वो ही फिक्स्ड है। जब पिस्टन ही फिक्स है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो हमारा जो वॉल्यूम है वो ही चेंज नहीं होगा, और जब वॉल्यूम ही नहीं चेंज हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम भी तो ज़ीरो ही होगा ना। तो इसका मतलब है कि जो हमारा वर्क डन है, जो कि हमारा वर्क डन है पी इंटू डेल्टा वी, वो ज़ीरो हो जाएगा। चूँकि डेल्टा वी ज़ीरो है तो जब ये पी से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा वर्क डन है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा डेल्टा डब्ल्यू जो है वो ज़ीरो हो गया, चूँकि हमारा डेल्टा वी ज़ीरो था। तो इससे हम ये अख़्ज़ कर सकते हैं, ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जो भी हीट इस सिस्टम के अंदर गई है वो सारी की सारी हीट डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा यू में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि सिर्फ टोटल इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम होती है जब हमारा वर्क डन ज़ीरो हो गया, क्योंकि वर्क डन तो ज़ीरो हो गया। तो इस सिचुएशन में जितनी भी डेल्टा क्यू इस सिस्टम को मिलेगी वो डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम हो जाती है, और वर्क डन में कोई भी हीट जो है वो खर्च या ज़ाया नहीं होती। अब ये जो डेल्टा क्यू है इसे मुझे डेल्टा क्यू वी कहना चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा काम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हुआ है। इसे आप कांस्टेंट वॉल्यूम भी तो कह सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, और जब किसी पैरामीटर में पूरे के पूरे किसी प्रोसेस के दौरान चेंज ना आए तो उसका मतलब यही होता है कि वो चीज़ कांस्टेंट है। तो मैंने जो हीट दी है इस सिस्टम को वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी है, तो मैं डेल्टा क्यू वी लिख सकती हूँ। इसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन ए है। अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि कोई भी एक सब्सटेंस हो, जैसे कि लेट सपोज कि यही एक अगर गैस है, तकरीबन ये 1 मोल गैस है, इसे 1 मोल गैस है इसके अंदर, और इस 1 मोल गैस का टेम्परेचर जो है मुझे 1 केल्विन तक राइज करने के लिए जितनी भी हीट इस सिस्टम को देनी पड़े वो हीट इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और अगर मैं ये भी साथ में मेंशन कर दूं कि भाई इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि इस सिस्टम के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस था उसकी, जो कि 1 मोल गैस हो सकता है, लेट्स सपोज कि वो 1 मोल गैस है, उस 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करने में मुझे जितनी भी हीट इस सिस्टम को देनी पड़ी वो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट है। क्योंकि एक मोल को देनी पड़ी है इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट है। और अगर मैं ये कह दूं कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मुझे ये कहना चाहिए कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। और आप ये भी जानते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है वो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के इक्वल होती है, यानी कि इनकी रेशो के इक्वल होती है। इनकी रेशो के इक्वल क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम किसी सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो ये ट्रांसफ़र होने वाली हीट जो है उसमें जितना भी टेम्परेचर राइज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। और जैसे ही हमने डायरेक्टली को हटाया था, डायरेक्टली के साइन को,
तो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रपोर्शन साइन लगा सी एक सिंबल यूज किया था, जिसे हमने कहा था कि ये स्पेसिफिक हीट का सिंबल है 60 T। और अब हमें चूंकि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया कि क्यू के नीचे टी को डिवाइड कर दिया। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है यहाँ से आया था। आपको याद होगा जब आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको होप्स हो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हम पिछली वीडियोस में ही पढ़ कर आए हैं, जब हमने डिटेल से मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर भी और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर भी। अभी अभी हम लोगों ने जो पीछे एक इक्वेशन ए की है, जिसमें हम लोगों ने डेल्टा क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू लिखा था, इस इक्वेशन ए में अगर मैं डेल्टा क्यू वी की जगह यहाँ पर भी इसे डेल्टा क्यू वी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वही हीट है जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर डिलीवर की गई है इस सिस्टम को। तो अगर मैं इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ तो मुझे ये एक्सप्रेशन पहले यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहिए था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस तरीके से कि अगर मैं डेल्टा क्यू वी का एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ तो ये सी वी इंटू डेल्टा टी के इक्वल आ जाता है, डेल्टा टी के इक्वल। अगर अब मैं इस चीज़ को उस इक्वेशन ए में पुट करूँ, जो कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू है, इसकी ये वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दूँ, तो यहाँ पर मेरे पास सी सी वी और डेल्टा टी का एक्सप्रेशन आ जाता है, जो कि डेल्टा यू के इक्वल आ जाता है। इसे हम लोग बी मार्क कर लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन बी है। अब हम इस तरह से सपोज करते हैं कि हम लोगों ने वॉल्यूम को तो कांस्टेंट कर लिया, और अगर अब हम इस तरह से करें कि कुछ ऐसी सिचुएशन अडॉप्ट करें जिसमें हमारा जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट ना हो, लेकिन अलबत्ता हमारा जो प्रेशर है वो अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसे करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास फिर से एक सिस्टम है, इधर इस तरह से सिस्टम बना लेते हैं, और इस सिस्टम के अंदर जो है ये हमारे पास आइडियल गैस है। आइडियल गैस का यहाँ पर भी हम लोग 1 मोल ही ले लेते हैं, ये आइडियल गैस का 1 मोल है। और अब की बार हम ये काम करते हैं कि अब की बार हम कहते हैं कि हम लोगों ने जो पिस्टन लगाया है वो मूवेबल है। अब ये पिस्टन जो है ये मूवेबल पिस्टन है, ये आसानी से मूव कर सकता है। इसे मूवेबल पिस्टन क्यों कहा? इसे मूवेबल पिस्टन इसलिए कहा क्योंकि इस सिचुएशन में हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारा वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, तो वॉल्यूम ने तो एक्सपेंशन भी करनी है और कंप्रेशन भी शो करना है, तो फिर तो हमारा ये पिस्टन मूव करेगा, तो हम लोग पहले ही इसे मूवेबल पिस्टन रख लेते हैं और सिस्टम के अंदर एक आइडियल गैस रख लेते हैं, उस आइडियल गैस का 1 मोल जो है हम फिल कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम ये सारा का सारा काम कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जैसे ही हम इस सिस्टम को हीट देंगे तो अब जो हीट होगी जाहिर है कि वो कोई ना कोई वर्क डन भी करेगी, चूंकि अब तो पिस्टन जो है मूवेबल है, तो इसमें एक्सपेंशन भी हुई और कंप्रेशन भी हुई। अगर तो ये एक्सपेंड करता है या कंप्रेस करता है तो इसमें वर्क डन हर हाल में होगा, जो कि पी डेल्टा वी के इक्वल है। और अगर यहाँ पर भी मैं स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँ और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर निकालना चाहूँ, तो आपको याद होगा कि किसी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वो वाली स्पेसिफिक हीट होती है जो किसी भी गैस के 1 मोल को कांस्टेंट प्रेशर पर इतनी हीट दे कि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन तक राइज कर जाए, तो वो वाला जो हीट आपने उसको दी है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है, जो कि बराबर होती है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होती है, तो अगर मैं यहाँ पर इसे ये लिख दूँ कि क्यू के साथ भी पी, तो डेल्टा क्यू पी जो है हमारे पास आ जाता है सी पी इंटू डेल्टा डी। सी इक्वेशन हम सी मार्क कर लेते हैं, सी डैश नहीं नहीं बल्कि सी कर लेते हैं। अगर अब मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक ये बताना हो कि जो हीट ट्रांसफ़र की गई है किसी टेम्परेचर किसी सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर पर, और जो टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, यानी कि जो भी हीट सिस्टम में ट्रांसफ़र होगी वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कंज्यूम हो जाएगी। डेल्टा क्यू पी, डेल्टा क्यू पी के लिए तो हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ से निकल जाएगा आएगा जो कि सी पी इंटू डेल्टा टी है। डेल्टा यू के लिए जो है हम ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर लेंगे जो कि सी वी इंटू डेल्टा टी के इक्वल है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सी वी डेल्टा टी है। अब मसला डेल्टा डब्ल्यू का रह गया, डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैं पी डेल्टा वी भी लिख सकती हूँ,
लेकिन चूंकि अब हम लोगों ने आइडियल सिचुएशन ले ली है, गौर कीजिएगा मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि हम लोगों ने आइडियल गैस लिया है, और आपको मालूम है कि जब आइडियल गैस की बात होती है तो आइडियल गैस में जो है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। मैंने गैस का एक मोल लिया है तो इसका मतलब है एन की जगह वन आ गया, यहाँ पर आर टी इज इक्वल्स टू पी वी आ गया। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को भी डेल्टा की फॉर्म में लिखूँ तो पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आर डेल्टा टी लिखा जा सकता है। इसे मैं इक्वेशन डी का नाम दे देती हूँ। अगर ये चीज़ और ये चीज़ दोनों, अगर मैं इस तरह से कहूँ कि मैं वर्क की जगह जो है डेल्टा पी डेल्टा डब्ल्यू है ना, नहीं पी डेल्टा वी, तो अगर मैं वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी है, तो अगर मैं पी डेल्टा वी की ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करूँ इस जगह, तो मेरे पास जो वर्क आता है वो आ जाएगा आर डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो आ जाता है आर डेल्टा टी। मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ। मैंने इन दोनों इक्वेशन को इसलिए कंपैरिजन किया, इसलिए उसमें से पी डेल्टा वी की वैल्यू निकाली, क्योंकि हम लोग आइडियल गैस के लिए केस कर रहे हैं और आइडियल गैस के लिए जो पी वी है वो इज इक्वल्स टू एन आर टी के भी बराबर होता है। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर उस चीज़ को पुट कर लिया। अब अगर ये डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी तीनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाए तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो ये आता है कि सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक एक्सप्रेशन है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ये सेकेंड एक्सप्रेशन हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है वो हमेशा इक्वल होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस जो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू के, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट हमेशा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट मतलब कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमेशा ग्रेटर होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको एग्जामिनर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट किस एट कांस्टेंट प्रेशर किस तरह ज़्यादा होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर उन्हें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि भाई इस तरह से ये चीज़ इससे ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको डिफरेंट प्रूफ करने के लिए दिए जा सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ कि किस तरह से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर में भी आपसे पूछ ले कि आप प्रूफ कीजिए इस चीज़ को, प्रूफ दैट कि जो सी वी है वो बराबर है 5/2 R के। इस चीज़ को अगर वो आपको कह देता है कि इसे प्रूफ करके दिखाएं मुझे, तो आप किस तरह से प्रूफ करेंगे? बहुत ही सिंपल वे है इसे प्रूफ करने का, क्योंकि अब आपको एक बेसिक फार्मूला मिल चुका है, आप एक प्रूफ जानते हैं कि सी वी जो है हमेशा सी पी से लेस देन हो सकता है, कभी भी इससे ग्रेटर देन नहीं हो सकता। तो अब वो वाला ही जो रेशो है या वो वाला जो फार्मूला है, बेसिकली वो एक फार्मूला है, एक प्रूफ है, उसे अपना बेसिक फार्मूला बनाते हुए इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आइए हम इसे प्रूफ करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि आपका जो बेसिक फार्मूला है वो ये है कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, और आपको क्या चाहिए? आपको सी वी चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं दोनों जानेब ही सी वी से डिवाइड कर देती हूँ, अगर मैं इस तरह से करूँ कि ये भी सी वी से डिवाइड और ये भी सी वी से डिवाइड, तो मेरे पास क्या होगा? ये चीज़ कैंसल आउट और सी पी ओवर सी वी इज इक्वल्स यहाँ पर माइनस वन इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा। और ये जो चीज़ है ये चीज़ जो है ये हमारे पास होती है गैमा। आपको याद है ना मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम कहते हैं ये गैमा है। साथ में ना इस क्वेश्चन में वो आपको ये भी शो करेगा कि आपने इसे प्रूव करना है फॉर मोनोटोमिक, या वो कह सकता है कि डायटोमिक के लिए, यहाँ पर इस तरह से लिख लेना चाहिए कि लेट्स सपोज आप सपोज कर लीजिए कि एग्जामिनर आपको कहता है इस चीज़ को प्रूव करें फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए। गैस अगर डायटोमिक गैस के लिए वो आपको कह देता है तो यहाँ पर तो गैमा आ गया। वो डायटोमिक मोनोटोमिक या ट्रायटोमिक इसलिए कहेगा क्योंकि इस तरह के प्रूफ्स में हमेशा गैमा बनता है आपके पास, आप जिस तरह से इसे सॉल्व करेंगे हमेशा इसमें एक गैमा आएगा। तो जो गैमा माइनस वन इज इक्वल्स टू आर, अब ये जो गैमा माइनस वन इज इक्वल्स टू आर है, और यहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ लगाना भूल गए कि हमने तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया था ना सी वी से, तो यहाँ पर भी तो सी वी लिखना चाहिए ना, और यहाँ पर भी सी वी लिखना चाहिए, ये चीज़ हम भूल गए थे। अब चूंकि उन्होंने कहा है डाई एटोमिक गैसेस के लिए प्रूफ करें, तो आपको मालूम है डाई एटोमिक गैसेस के लिए 1.4 वैल्यू होती है गैमा की, माइनस वन इज इक्वल्स टू आर बाय सी वी।
1.4 माइनस 1 जो है ये हमारे पास 0.4 आ जाता है, यहाँ पे R डिवाइडेड बाय CV। 0.4 को अगर मैं इस तरह से लिखूँ 1/10 तो इसे लिखा जा सकता है, यहाँ पर R बाय CV आ जाएगा। ये पॉइंट अब यहाँ से ख़त्म हो गया और क्या होगा कि ये 2 और ये 5, 2/5 आ जाता है और यहाँ पर R डिवाइडेड बाय CV। हमें CV चाहिए तो अगर मैं इस CV को यहाँ पर ले जाऊँ तो सी वी यहाँ जाकर जो है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू आर। अब अगर मुझे सिंपल सी वी के लिए एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं यूँ लिख सकती हूँ कि 5/2 आर। ये चीज़ हमारी प्रूव हो जाती है, ये चीज़ हमारी प्रूव हो जाती है कि हमारी जो सी वी है वो बराबर है 5/2 आर के। यही तो चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो इस फॉर्मूले को बेस बनाकर हम बहुत से एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में किसी तरीके से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इस चीज़ को बेस बना के क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हमेशा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से ग्रेटर देन होता है, कभी भी लेस देन नहीं हो सकता। तो होप सो आपको इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में भी समझ आ चुका होगा और उनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से डिफरेंट प्रूफ्स को सॉल्व किया जाता है ये भी समझ आ चुका होगा।